नमस्कार, ब्लैंक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेन चैप्टर, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड कुछ पहले हम लोग टॉपिक समझ लेते हैं। अगर देखिए स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो उसको मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे 5/18 से? देखिए किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 आवर मतलब एक घंटा, मतलब 3600 सेकेंड, 3600। देखिए 2020 कट गया, 5 बार में 2 का पारा से 10 कटेगा और 18 बार में 36 कटेगा, मतलब 5/18, इसीलिए 5/18 से किए। अब ठीक इसका उल्टा, मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और किलोमीटर घंटा में जाना है, तो इसका विपरीत यानी 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, अब एक कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव मतलब एक दूसरे से सापेक्ष, सापेक्ष मतलब एक दूसरे का कंपैरिजन में। जैसे देखिए दो ट्रेन है हमारा, एक ये है और एक ये है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, और इसका स्पीड पहला ट्रेन का x किलोमीटर घंटा है और दूसरा का y किलोमीटर घंटा है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो जो रिलेटिव स्पीड आएगा, रिलेटिव स्पीड वो एक दूसरे से माइनस हो जाएगा, मतलब x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ठीक अगर इसका विपरीत होता कि ये ट्रेन इधर नहीं जाके एक ट्रेन हमारा इधर जाती, मतलब ट्रेन का दिशा उल्टा है, एक ये इधर जा रही है एक ये इधर जा रही है, तब इस कंडीशन में क्या होता कि दोनों का, जैसे देखिए ये एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तो ऐसा कंडीशन में दोनों का वेग जो है जुड़ जाएगा, मतलब रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं, वो देखते हैं किस प्रकार कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तब उसका चाल मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। अभी अभी हम लोगों ने क्या कहा था कि मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, कितना से? 5/18 से। तो चलिए 5/18 से गुना करते हैं, 180 है, इसको गुना किससे करेंगे? 5/18 से। तो 18 का पारा में ये 10 बार में कट जाएगा, 10 × 5 = 50, मतलब इसका वेग हुआ 50 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आसान था, मीटर प्रति सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। अब देखिए दूसरा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 280 मीटर और उसका रफ्तार दिया हुआ है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, तब प्रश्न है कि वो एक खंभे को कितना देर में पार करेगी। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति या कोई खंभा है तो उसका जो दूरी है ट्रेन का तुलना में नेग्लेजिबल होगा, मतलब ट्रेन का तुलना में उसका दूरी जीरो हम लोग मान सकते हैं। तब देखिए जो ट्रेन जो पार करेगी, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, ये कोई आदमी है या कोई खंभा है, इसको जब ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन पार करना शुरू की, मतलब ट्रेन जो है अपना दूरी का, मतलब अपना लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो यहाँ हम लोगों को दूरी कितना मिला, दूरी मिला 280 मीटर, दूरी मिला है 280 मीटर। अब देखिए हम लोग क्या चाहिए, कितना देरी मतलब समय चाहिए, समय, समय क्या होता है, दूरी बटा स्पीड। दूरी है 280 मीटर, 280 मीटर, स्पीड कितना है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दूरी मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग मीटर में लाएंगे, तो 63 है, तो मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए किससे करेंगे, 5/18 से। 5/18 से 9 × 63 = 9 × 2 = 18, तो कितना हुआ, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 280 × 7 × 5, ये नीचे वाला दो ऊपर चला जाएगा। देखिए 7 का पहाड़ा में 40 बार में कट गया, 7 × 4 = 28 और एक ये जीरो बचा, अब 5 का पहाड़ा में 8 बार में कटा, मतलब 8 × 2 = 16 सेकेंड उसको लगेगा एक खंभे को पार करने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अगर कोई ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है और वो किसी खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तब ट्रेन का वेग कितना होगा? देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुना समय। अगर मान लीजिए आपका वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप चल रहे हैं, तो 2 घंटे में कितना दूर जाइएगा? तो 2 घंटे में 1 घंटा में 2 किलोमीटर, फिर अगले 2 घंटे में 2 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा में 4 किलोमीटर जाइएगा। तो वही 2 और 2 को गुना कीजिए, मतलब हमारा वेग था 2 किलोमीटर और समय था 2, तो 4, 4 जो हमारा दूरी आ गया, मतलब समय और वेग को गुणा करने से हम लोग को दूरी मिल जाएगा। इसी से सॉल्व करते हैं। देखिए, दूरी दिया हुआ है 250 मीटर, लिख लिए। वेग कितना है पता नहीं, वेग को हम लोग एक्स मान लिए, एक्स मान लिए। तो हम लोग जानते हैं ट्रेन का वेग जो है किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, तो मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा कर दिए। अब देखिए, समय दिया हुआ है 15 सेकंड, तो इसको हम लोग 15 से गुणा कर दिए। अब यहाँ से एक्स का मान निकाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 का पहाड़ा में 50 बार में कट गया ये। अब 3 5 15, 3 6 18, अब 5 का पहाड़ा में ये कटेगा 10 बार में। अब ये 10 और ये 6 है, इधर गुना हो जाएगा, मतलब 10 गुना 6 = 60। ये 60 आया, ये ट्रेन का वेग आया, कुछ नहीं, इसको सॉल्व करने से आ गया है यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन का वेग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कोई ट्रेन की रफ्तार दिया हुआ है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और 110 मीटर उसका लंबाई है ट्रेन का, और वो एक ब्रिज के ऊपर से पार कर रही है। मान लीजिए ये हमारा ब्रिज है, इसके ऊपर से ट्रेन पार कर रही है, ब्रिज की लंबाई कितना है 132 और ट्रेन की लंबाई है 110। तो जब ये इसके ऊपर से पार करेगी तो उसके लिए उसके द्वारा तय क्या होगा, कुल दूरी जो होगा 132 और 110 का योगफल के बराबर होगा, कितना हो गया, 2 4 2 242 हो गया है, 242। हम लोग को समय निकालना है, समय का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समय बराबर दूरी बटा वेग। तो दूरी कितना है, देखिए, समय बराबर दूरी बटा वेग, दूरी हो गया हमारा 242 मीटर, 242 मीटर। और वेग कितना है, 72 है। ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से। तो 18 का पहाड़ा में 4 बार में 72 कटेगा, 4 बार में। अब देखिए, अब हम लोग इसको करते हैं 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से, ये 1 2 1, तो कितना बचा, 121/5 और ये 2, 5 2 10, मतलब कि 12.1 सेकेंड लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन 900 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 12 सेकेंड में पार करती है, तब ट्रेन की गति क्या है? ये देखिए, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड और ये 12 सेकेंड, कितना हुआ, 72 सेकेंड। ये हो गया हम लोग का टाइम। अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि ट्रेन जो जब पार करेगी किसी प्लेटफॉर्म को, तो वो अपना लंबाई और ट्रेन का लंबाई, ट्रेन प्लेटफॉर्म का लंबाई और ट्रेन का लंबाई दोनों का योगफल के बराबर दूरी को तय करेगी। तो ये हो गया 900, ये 300, तो दूरी कितना हो गया, 1200। समय कितना हो गया, 72। ये किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आप किलोमीटर घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है, 18 का पहाड़ा में 4 बार में 72, 2 2 4, 2 का पहाड़ा में 600 बार में 1200 कटेगा, 6, ये देखिए, 5 2 10, मतलब 600/10 = 60, मतलब जो ट्रेन का गति था वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2 ट्रेन है जो कि 72 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही है, ये पहला ट्रेन, ये दूसरा ट्रेन, एक दोनों के विपरीत दिशा से आ रही है। तो जब ये पार करेगी तो अपने
लंबाई और इसका लंबाई दोनों एक दूसरे का लंबाई का योगफल के बराबर दूरी को पार करेगी। मतलब जो ट्रेन जितना दूरी पार करेगी वो दूरी कितना है, ये 250 मीटर है, और दूसरी ट्रेन की लंबाई की दूर पता नहीं है, उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो मतलब एक्स प्लस 250, ये हो गया कुल दूरी। और ये ट्रेन दोनों विपरीत दिशा से आ रही है, मतलब दोनों का योगफल जुड़ जाएगा, ये कितना है, 62 और 40, मतलब 60 और 40, 100, और ये दो 102, ये हो गया 102। ये किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और टाइम देखिए 18 सेकंड दिया हुआ है, 18 यहाँ लिख लिए टाइम। अब देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस 250 बराबर 102 गुना 5/18 गुना 18, ये 18 तो कैंसिल। 102 को जब 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 5 10 और 125 500, 510, इधर है 250, जब ये 250 उधर जाएगा -250, 510 में से 250 घटाएंगे तो बचेगा 260। मतलब एक्स का मान आया 260, मतलब दूसरी वाली ट्रेन जो थी उसकी लंबाई थी 260 मीटर। इस प्रकार का कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा, ये देखते हैं। अब देखिए, एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार देखा गया है कि पहला ट्रेन जो है स्टेशन ए से 5 बजे खुलती है और स्टेशन बी 9 बजे पहुंचती है, और दूसरा ट्रेन स्टेशन बी से खुलती है 7 बजे और 10:30 बजे स्टेशन ए पहुंचती है। मतलब मान लीजिए ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, पहला ट्रेन यहाँ से खुली कितना बजे, 5 बजे, अब पहुंची कितना बजे, पहुंच रही है 9 बजे, कितना देर लगा, 4 घंटा लगा। तो एक्स बराबर 4, इसका हम फॉर्मूला बताएंगे आगे, देखिए कितना देर लगा इसको, 4 घंटा, ठीक है। अब दूसरा ट्रेन जो है बी से खुली कितना बजे, 7 बजे खुलती है, 7 बजे खुली बी से, और ए कब पहुंच रही है, 10:30 बजे, इसको कितना समय लगा, 3.5 घंटा। 3.5 घंटा हम लोग 7/2 घंटा लिख सकते हैं, 3.5 को 7/2 लिखें, ये आया वाई, ठीक है। अब दोनों ट्रेन का खुलने में अंतर कितना है, एक 5 बजे खुल रहा है, एक 7 बजे खुल रहा है, अंतर कितना का हो गया, 2 घंटा। तो जो एक्स का मान होगा वो हम लोग 2 लिए, एक्स क्या है, खुलने का अंतर, खुलने का अंतर, ठीक है, एक्स जो है खुलने का अंतर है, एक्स नहीं, एक्स तो पहले हम लोग यूज कर लिए हैं, इसको टी ले लेते हैं, टी टी जो है खुलने का अंतर है। पहला ट्रेन 4 घंटा में पहुंचा, दूसरा ट्रेन 3.5 घंटा में पहुंचा, और खुलने का जो बीच का अंतर है वो 2 घंटा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए हम लोग क्या क्या मिला, एक्स का मान मिला 4 घंटा, वाई का मान मिला 3.5 घंटा, और टी का मान मिला 2 घंटा, ठीक है। अब फॉर्मूला है कि मिलने का समय बराबर एक्स माइनस टी गुना वाई, एक्स माइनस टी गुना वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक है, यह है मिलने का समय, एक्स माइनस टी गुना वाई बटा एक्स प्लस वाई। एक्स का मान कितना है बैठा, ये 4, टी का मान 2, ठीक है, वाई का मान 7/2, और एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 4 और 7/2, यही हुआ। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये दो तो कैंसिल, और सॉरी 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, माइनस में है, 4 माइनस 2, ये 2 बचेगा, 4 माइनस 2 2 बचा, 2 गुना 7/2, नीचे में 4 2 8, 8 7 15/2, 15/2 बचा, ये दो कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, 7 गुना 2 बटा 15, 7 गुना 2 बटा 15,
मतलब ये हुआ 14/15, 14/15, ठीक है। तो हम लोग मिनट में जाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, 60, देखिए 15 चौके 60, 14 14 14 2 28, 14 3 42, 14 चौके 56, मतलब कितना आया, 56 मिनट आया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिर 56 मिनट कब लगेगा, पहला ट्रेन खुला दूसरा ट्रेन खुला ही नहीं है, तो 56 मिनट लगने का कोई बात नहीं है। जब दोनों ट्रेन खुल जाएगा तब ना 56 मिनट लगेगा। तो कौन ऐसा समय जब दोनों ट्रेन चालू है, वो है शाम को 7 बजे, दोनों ट्रेन चालू है, पहला ट्रेन भी चालू है दूसरा ट्रेन भी चालू है। तो हम लोग उसमें 7 में से 56 जोड़ दीजिए, मतलब 7 और 56 जोड़ दीजिए, मतलब कितना आया, 7:56 में दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है, और अगर आपको कहीं इसमें डाउट है कुछ तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम इसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25 मीटर प्रति घंटे की चाल से 270 मीटर लंबी ट्रेन अपने विपरीत दिशा से आते हुए 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी व्यक्ति को कितने देर में पार करेगा। ये एक ट्रेन है जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और एक आदमी है जो इधर से आ रहा है, इसका चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ रहा है तो जुड़ जाएगा, तो जो चाल हो जाएगा स्पीड वो हो जाएगा 25 × 27 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोगों को टाइम निकालना है, टाइम मतलब दूरी बटा वेग, दूरी है कितना 270 मीटर, क्योंकि ट्रेन अगर कोई आदमी को पार करेगा तो अपना लंबाई के बराबर ही दूरी को पार करेगा, मतलब 270 मीटर ये हो गया दूरी, अब वेग है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 27 है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18। अब देखिए क्या हो रहा है, 27 का पहाड़ा में 10 बार में कट जाएगा, 5 का पहाड़ा में 2 बार में कट जाएगा, मतलब कितना बचा, 2/1/18 ऐसा बचेगा, नीचे वाला 18 ऊपर गुना हो जाएगा, मतलब 2×18=36 सेकेंड। आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं अगले पार्ट में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर ज़रूर करें, थैंक यू।